कर गया विदेश में देसी खाना खाकर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकुमुकु ब्लॉग्स। मैं पूजा पांडे और मैं आ गई हूँ आज अपने रिसॉर्ट में और रिसॉर्ट का नाम है कुटासी व्यू। तो ये देखिए आज मैं आपको कुटासी व्यू कैसा है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है क्या नहीं है मैं सब चीज़ आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए ये इनका एंट्री है, ये इनका पार्किंग है, टैक्सी चाहिए तो टैक्सी, और ये यहाँ पे एक और फैसिलिटीज़ है कि आपको कुछ चाहिए तो ये आपको यहाँ पे मतलब आपको इंतज़ार करके दे देंगे। ये इनका वेलकम, इंटर करते ही इनका ये व्यू है। सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश करने के लिए भी रखा हुआ है। ये इनका रिसेप्शन है, बहुत सुंदर सा है इनका रिसेप्शन। रिसेप्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं तो ये देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ सबसे अच्छा है ना कि यहाँ पे आप बहुत सारा आपको प्लांट्स मिलेगा, एकदम पूरा नेचर से ये भरा पड़ा हुआ है। ये इनका पूल है, ये देखिए ये सब भी उठा कर रखा हुआ है, इंजॉय करने के लिए है। ओके, ये इनका रेस्टोरेंट है, आप ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में आइएगा तो बेटर ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। बार काउंटर, चलिए हम लोग आगे निकलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। राइट हैंड साइड में ये इनका रॉयल रूम स्पा है, आप ना बॉडी मसाज यहाँ पे करवा सकते हैं। और यहाँ पे इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बिल्ली खेल रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा है ये पूरा, आपको उबोध कूटा हर एक जगह आपको ये ऐसा ना मिलेगा, आप बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए या फिर फोटोज़ क्लिक करने के लिए। और इनमें ना कॉटेजेस बहुत साइड है। आप सीढ़ी से भी ऊपर जा सकते हैं और आप लिफ्ट से भी अंदर जा सकते हैं। आपको कुछ बुक्स वगैरह चाहिए, आपको पढ़ना है तो आप बुक्स भी यहाँ से लेके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इनका लॉबी काफ़ी सुंदर है। आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, हर एक जगह पे आप लिफ्ट में आ रहे हैं जा रहे हैं आपको हर सामने ही सैनिटाइज़र रखा हुआ है। और ये इनका लॉबी है थर्ड फ्लोर पे, इनका हर एक फ्लोर पे एक प्यारा सा लॉबी है सुंदर सा, ये एक इनका आर्ट है। और ये रहा हमारा रूम, आपको हर एक डोर के पास में एक छाता ज़रूर मिलेगा। चलिए अब हम लोग अपना रूम देखते हैं कैसा है हमारा रूम। ओपन, ये है हमारा सुंदर सा प्यारा सा बेड, ये एक आर्ट है। बगल में आपको एक टेबल मिला है और उस पर एक टेलीफोन है, जैसे आपको कुछ चाहिए तो आप फ़ोन करके कुछ मंगा सकती हैं रिसेप्शन से। ओके, यहाँ पे सारा हमारा है, बट ये एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट और एक है वाईफाई का रिमोट। और इधर आपको स्टोरेज के लिए दिया गया है, चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए ये एक बड़ा सा सोफ़ा मिला है हम लोगों को, यहाँ पे आप बैठ के आराम से यूज़ का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए एक्चुअली आपको यहाँ से सी नहीं दिखेगा बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे प्लांट्स है इसके वजह से नहीं दिख सकता है। ये टी टेबल है। ओके, चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। ये एक टेबल है, पूरा लंबा सा एक टेबल है जिसमें एक चेयर मिला है। ओके, जिसमें एक टीवी है और नीचे अभी भी यहाँ पे पता नहीं सीडी डीवीडी सब प्लेयर्स चलते हैं लगता है, तभी अवेलेबल है। नीचे इधर चाय कॉफ़ी के लिए रखा हुआ है एंड इधर एक छोटा सा फ्रिज है जो खाली है, यदि आपको चाहिए तो इसमें आप ऑर्डर करके उसके बाद भर सकते हैं। दो ग्लास मिला है, ये लगेज रखने के लिए है जो हम लोगों ने रख लिया है। एंड इधर एक वेट मशीन है, ऊपर एक स्टोरेज के लिए रखा हुआ बना हुआ है। इधर ये अलमारी में इधर
कपड़ा रखने के लिए है एंड नीचे में जूते चप्पल रखने के लिए, ये लॉन्ड्री के लिए है, हेड मिला है दो है और एक बैग भी मिला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आयरन है, ये लॉकर मशीन है, लॉकर है जिसमें आप कुछ सामान रख के अपना कोट डाल करके बंद करके रख सकते हैं। इधर एक मिरर है पूरा। ये बाथरूम है हमारा, बाथटब, ओके, एक बाथरूम, टॉयलेट, टॉयलेट यहाँ पे आपका फ़ोन भी है, यदि आप नीचे रिसेप्शन वगैरह या कुछ हेल्प के लिए फ़ोन करें तो भी मिल जाएगा। इधर है आपके लिए मिरर, बेसिन, शॉप, टिश्यू पेपर एंड टू बॉटल वाटर, ग्लास। इधर टॉवल्स वगैरह है। इधर हम लोगों को क्या मिला है, शावर कैप, ब्रश, ओके, एंड ये क्या है, ये सेविंग किट, ओके, ये है ड्रायर, ये एक मिरर है, वो साइड है, एक साइड में आप बड़ा देखेंगे और एक साइड में नॉर्मल। यहाँ पे फैन भी मिला है, बहुत सारे होटल्स में नहीं होते हैं फैंस, बिकॉज एसी रहता है तो फैन नहीं रहता है और फैन रहता है तो एसी नहीं रहता है। मैं अभी आई हूँ और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए कोटा का सी कितना सुंदर है। मौसम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका है क्योंकि बारिश होने लगी, बहुत लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, किसी कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सच में बहुत मज़ा कर रहा है यहाँ पे लोग। देखिए ये है कोटा मार्केट, ये स्ट्रीट मार्केट है, देखिए कोटा सी व्यू के सामने ही ये ज़ारा का शोरूम है, काफ़ी बड़ा ज़ारा का शोरूम है यहाँ पे। बहुत ज़ोर की भूख लगी है और क्या है कि यहाँ पे जो वेज हैं उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे वेज खाना बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। और लकली मुझको ना एक यहाँ पे पंजाबी ग्रिल मिला है और सच में वहाँ का ना खाना ना मुझको बहुत अच्छा लगा है सच में। मतलब कल रात को मैं खाई हूँ और मैं होता है ना 5 दिन से मैं मतलब थोड़ा बहुत कुछ खा के रह रही थी और जब कल मुझको खाने को मिला ना, मैं कल रात को पूरा एकदम मन और पेट दोनों भर के खाई हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कहाँ और कैसा है। ये है पंजाबी ग्रिल, ये इनका पेस्ट है और काफ़ी भीड़ भी लगता है, कल हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट किए। गाइस सच में खा के मन पेट दोनों ही भर गया है, मज़ा ही आ गया खा करके। मैं तो अपना वेज का ही बताऊंगी और हमेशा की तरह नॉन वेज का मेन्यू देंगे हमारे हस्बैंड जी। बताइए कैसा लगा आपको खाकर? ऑथेंटिक पंजाबी फूड, मज़ा आ गया।
विदेश में इंडिया का खाना खा के एकदम मजा ही आ गया। विदेश में देसी खाना खा के ना एकदम जो दिल खुश होने वाली बात है ना, एकदम वैसा ही फील हो रहा है। आधे पेट खा के रह रहे थे। हाँ, अभी तक आधे पेट ही खा के रह रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी पसंद है जो मैं कुछ भी खा के रह लूँ, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा खाने में थोड़ी चूजी हूँ, खाने में ही क्या, मैं सब चीज में थोड़ा चूजी हूँ, पर खाना में तो कुछ ज़्यादा ही, पेट कुछ भी खा के थोड़ा भर सकती हूँ, बट मन ना ऐसे नहीं भर सकती हूँ। नासी गुरंग यहाँ का वेज फेमस है, और वो खा के ना सच में मन पेट सब मतलब अजीब हो गया था। अगर वह खा के ना संतुष्टि मिल रहा है मुझको। तो हम आपको रिजॉर्ट के बारे में बताते हैं मुझे क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं। सब ये सारे ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये रिज़ॉर्ट एकदम कोटा सी के ऑपोजिट में ही है। एक्चुअली यहाँ बालकनी से भी आपको पूरा व्यू दिखता है, बट बहुत सारे प्लांट्स होने की वजह से पूरा क्लियर सी नहीं दिखता है, पर कोई नहीं, सुंदर बहुत है, एकदम सेंटर में है। आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ को ज़्यादा दूर जाके खोजने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का लेकर कपड़े, और फिर आपको कुछ चाहिए अलग से कुछ चीज़ें, तो वो सब चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। पूरा एकदम मार्केट यहाँ पूरा कोटा सेंटर में ही है, और सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्लब, फूड, प्लस आपको शॉपिंग करना है वो सब कुछ अवेलेबल है। हमें यहाँ पे बुकिंग जब कराया था तो हम लोगों ने फॉर नाइट 5 डेज इनके लिए हम लोगों ने बुक कराया है, और हम लोगों का ये चार्जिंग पड़ा है 3.5 मिलियन विद ब्रेकफास्ट। इंडियन रुपीज़ में देखें तो 18,000 है। और गाइज, ब्रेकफास्ट मुझको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद आया। इंडियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है यदि वो वेजिटेरियन है तो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो ना के बराबर है, बस एक दो आइटम है, और अदरवाइज और कुछ नहीं। मुझे ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं पसंद आया। हाँ, यहाँ का जो पूल है वो सुंदर है, व्यूज़ है वो सुंदर है। आप यदि मेरे रूम का भी लेते हैं तो रूम भी इनका पुराना है, मतलब देखने में पुराने के हिसाब से नहीं है, इनका जो फर्नीचर है या फिर जो भी एसेसरीज इसमें अवेलेबल है या फिर जो चीज़ भी आप यूज़ करते हैं, ये सारी के सारी चीज़ें आने हैं। और मेरा यदि अपना ओपिनियन दूँ तो नहीं बुक करना चाहिए। जो यदि न्यूली कपल आ रहे हैं तो आप ना बुक करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करने पड़ेंगे, और सर्विस भी यहाँ का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भी बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पे और भी सारे अवेलेबल है कोटा में। और गाइस, कोटा बहुत ही सुंदर है, बट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है, बहुत ज़्यादा। यदि आप यहाँ इस साइड आ रहे हैं तो प्लीज़ टाइमली के आइए। और भी जो आपको डिटेल्स चाहिए फूड के बारे में, या फिर यहाँ से ट्रैवलिंग करना है कहीं, या जो कुछ भी, सारे डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यदि आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और गाइस, प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।